गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। नाउ वी विल स्टडी क्यूब एंड द क्यूब रूट्स। सो व्हाट इज अ क्यूब? क्यूब इज जस्ट सिंपली अ नंबर विच वी गेट इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ ट्वाइस। मीन्स क्यूब हम निकालने के लिए किसी भी नंबर को जो हमें नंबर दे रखा होता है उसी नंबर को हमें खुद से इटसेल्फ ट्वाइस हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 3 का क्यूब क्या होगा? 3 एक खुद नंबर है और इसका हमें मल्टीप्लाई इटसेल्फ मींस 3 का मल्टीप्लाई खुद से ही ट्वाइस करना पड़ेगा। एक हमें नंबर 3 पहले से ही गिवन था, उसको हमने 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया हमारा 27। तो 3 का क्यूब 27। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 का क्यूब क्या होगा? नंबर हमारा 5 है, उसका हमें मल्टीप्लाई इटसेल्फ करना है, मींस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करना है खुद से 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 125। ये था हमारा 5 का क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अ परफेक्ट क्यूब इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 एंड 64 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। मीन्स परफेक्ट क्यूब्स, जैसे 3 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 27। 4 का परफेक्ट क्यूब होता है 64, बट देयर इज नो नंबर बिटवीन द 27 एंड द 64 विच इज अ परफेक्ट क्यूब। लेकिन 27 और 64 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर बिटवीन द 3 एंड 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अब हम देखते हैं नंबर 1 का पर क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा हमारा 64। इधर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा इवन नंबर था 2, तो जैसे हमें 2 का क्यूब निकाल रहे थे तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 8। मीन्स जब भी हम किसी इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे तो जो हमारा क्यूब निकल के आएगा वो भी हमारा इवन नंबर ही होगा। जैसे हम किसी ऑड नंबर का निकालेंगे, जैसे 5 का क्यूब आएगा 125, तो वो भी एक ऑड नंबर होगा। मीन्स क्यूब हमारे इवन नंबर के हमारे इवन होते हैं और ऑड नंबर के हमारे ऑड होते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट भी यही है कि क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल। मींस कि किसी भी सारे इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब इवन ही होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड, सारे हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स के क्यूब हमारे ऑड ही होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव, मीन्स जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब निकालेंगे तो वो भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे -7 का क्यूब है तो -7 को हमें 3 टाइम्स लिखना है तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा -343। 7 एक हमारा ऑड नंबर था तो हमारा जो इसका क्यूब निकल के आया है -343, ये भी एक हमारा ऑड नंबर है। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, माइनस का 7/13, तो इधर हम देखते हैं कि न्यूमरेटर माइनस का 7 है तो इसको हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा और 13 को भी 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर का जो हमारा आंसर आएगा वो होगा -343 और जो डिनोमिनेटर है 13 उसको हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2197। मीन्स न्यूमरेटर को भी हमें इटसेल्फ ट्वाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हमारा फ्रैक्शन का क्यूब निकल के आता है। जैसे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। अब हमें फाइंड करना हो हाउ टू, दैट इज मींस कि कोई भी नंबर हमें गिवन होगा कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उसके लिए प्रोसीजर है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 7th क्लास में सीख ही चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको। मेक द ग्रुप्स ऑफ 3 सेम प्राइम नंबर्स, मीन्स हमें 3-3 के ग्रुप बनाने हैं सेम प्राइम नंबर्स के। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 के ग्रुप्स बनाने हैं और 3 के फॉर्म में हमें ग्रुप बनाने होंगे। इफ़ ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन द ग्रुप्स ऑफ 3, अगर हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स ग्रुप में हैं 3-3 के, देन इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब अदरवाइज नॉट, तो फिर हमारा परफेक्ट क्यूब होगा वरना ये नहीं होगा। जैसे कि एक हम इसे एग्जाम्पल्स और समझते हैं। जैसे कि 13824 का परफेक्ट क्यूब हमें चेक करना है कि ये है क्या नहीं, तो इसका सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी परफेक्ट क्यूब को चेक करने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालना। जैसे कि प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो अब हम इसे 3-3 के ग्रुप में अरेंज करेंगे सेम नंबर को। जैसे 2 को हमने 3 के ग्रुप में अरेंज करा,
फिर नेक्स्ट टू को थ्री के ग्रुप में, फिर नेक्स्ट टू को थ्री के ग्रुप में, एंड लास्ट में हमारा एक थ्री बचता है जिसको भी थ्री के ग्रुप में अरेंज हो गया। इधर हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं है, मीन्स सारे नंबर हमारे ग्रुप्स में, थ्री थ्री के ग्रुप्स में, जब भी हमारे सारे प्राइम फैक्टर ग्रुप्स में होंगे थ्री के, तो वो हमारा एक हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। जैसे कि सेकेंड वाला देखते हैं कि इसमें टू का ग्रुप नहीं बनना है क्योंकि एक टू की ज़रूरत है, रिक्वायर है, लेकिन इसमें है नहीं है। तो इट मीन्स जो सेकेंड वाला मेथड है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसका, 171500 का परफेक्ट क्यूब, तो ये हमारा 171500 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब एग्जांपल नंबर थर्ड को देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 500094 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करें तो एक हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वही इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फिर सेकेंड स्टेप है हमें अरेंज करना है ग्रुप्स ऑफ थ्री, तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करना है, और जो नंबर हमारा थ्री के ग्रुप्स में अरेंज नहीं हो रहा होगा उसको हमें थ्री के ग्रुप्स में अरेंज करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है उसी नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि हम इसे देखते हैं, सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसको ग्रुप्स में अरेंज करा, तो हम देख सकते हैं कि टू के थ्री होने चाहिए, लेकिन इधर हमारा टू वन टाइम ही है तो हमें टू टाइम्स की ज़रूरत है, मीन्स टू इंटू टू हो जाएगा हमारा फोर, और जो हम भी हमारे नंबर्स आए हैं वो सारे ग्रुप्स में अरेंज हैं। इट मीन्स कि प्राइम फैक्टर टू ग्रुप में नहीं है, सो हमें टू दो और चाहिए, तो टू मल्टीप्लाई बाई टू हो गया हमारा फोर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो होगा हमारा फोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं अपने, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 353736 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर वो बताना है जिसको हम डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। याद रखिएगा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करा था और इस वाले क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं जितने हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उतने का हम मल्टीप्लाई उस क्वेश्चन में कर देते हैं। अब हमें जितने की रिक्वायरमेंट है उसको हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, इसका सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर इसे ग्रुप्स में अरेंज करना होगा। अब हम देखते हैं कि 2 3 के ग्रुप में है, 7 10 भी अपने ग्रुप में है, लेकिन 3 है जो एक 3 की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जितने ग्रुप में नहीं है उसका हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर में, ताकि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा 9 होता है, तो हमें इस क्वेश्चन में 9 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमारा 9 एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। इसी की तरीके की आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, आप ट्राई करिएगा, जिसकी PDF आपको WhatsApp ग्रुप्स पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे की एक्सरसाइज एंड आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।